भाभी जी कहाँ हो आप? भाभी जी क्या क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? आज बहुत लेने का मन कर रहा है। दो ना भाभी जी, और आज भैया भी घर पे नहीं है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा फिर कभी। जल्दी दो। चिंटू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अब मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। पिछली बार तुम्हारे भैया ने सब देख लिया था जब तुम ले रहे थे। कितना मनाने के बाद अब जाकर तुम्हारे भैया माने हैं। इस बार नहीं देखेगा। दो ना भाभी जी, प्लीज प्लीज भाभी जी, दो ना प्लीज। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाभी जी। इतना जिद कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन एक शर्त पे दूंगी। बताओ भाभी जी, आपके लिए तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या हुआ ये चिंटू, फिर तुमसे क्या मांग रहा है? अरे भैया आ गए, क्या करूँ अब, भैया आ गए। तुम्हारे भैया तो ऑफिस से 6 बजे आते हैं ना, तो आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे वो कुछ नहीं। चिंटू ये कपड़ा जल्दी पकड़ो और इस कबर्ड को जल्दी साफ करो, बाकी सब मैं देख लूंगी। ठीक है, जल्दी दो, मैं साफ करता हूँ। चिंटू, तू अपने भाभी से क्या मांग रहे थे? कुछ नहीं। कुछ नहीं? सविता तुम बताओ, ये चिंटू तुमसे क्या मांग रहा था? वो कुछ नहीं, वो तो मेरे से कपड़ा मांग रहा था कब्र साफ करने के लिए। देखो कितना मेहनत से साफ कर रहा है। आज फिर भाभी से नहीं ले पाए, पार्ट 2 में जरूर ले लूंगा, और आप पार्ट 2 देखना मत भूलना।